नागवी शिवरात्रि महोत्सव के मौके पर यहां पहुंचे मशहूर गायक मेरा भोला है भंडारी फेम हंसराज रघुवंशी के साथ सीटीवी के विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते ने एक मुलाकात ली। प्रस्तुत है इस मुलाकात के कुछ अंश सीटीवी की नजर से। विधायक कीर्ति कुमार भांगड़िया की पहल पर चिमूर विधानसभा क्षेत्र के नागबिड में शिवरात्र महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस शिवरात्र महोत्सव के दौरान अनेक धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यक्रम लिए जा रहे हैं और जिसे भक्तों का उत्तम प्रतिसाद मिल रहा है। साथ ही इस शिवरात्र महोत्सव के दौरान अनेक नामचीन हस्तियां भी नागबिड पहुँच रही है। इसी पार्श्व भूमि पर इस महोत्सव में भारत के सुप्रसिद्ध शिव भजन गायक जिन्होंने मेरा भोला है भंडारी तथा युग राम राज का आ गया इस गीत के गायक है और युग राम राज का गया इस गीत के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है। यहां पर आने वाले विभिन्न नामचीन हस्तियों की लगातार सीटीवी के हमारे विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते उन सभी से खास मुलाकात ले रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने इस सुप्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी से सीटीवी के प्रतिनिधि बालू सातपुते ने विशेष मुलाकात की और सीटीवी के विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उन्होंने बहुत ही सरलता से उत्तर दिया। प्रस्तुत है उस मुलाकात के कुछ खास अंश सीटीवी ने। हंसराज जी रघुवंशी सर, आपका चिमूर नगरी में हार्दिक स्वागत है और सीटीवी की तरफ से भी हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिमाचल प्रांत से आए, महाराष्ट्र के चिमूर शहर में आए हो, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले सबको मेरी तरफ से जय शंकर जय भोलेनाथ। मैं चिमूर आज आया हुआ हूँ तो मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं पूरे दिल की गहराइयों से बंडी भैया भांगड़िया का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने महाशिवरात्रि का जो महोत्सव चल रहा है इसमें मुझे बुलाया, तो मैं अपनी तरफ से विशेष धन्यवाद करता हूँ भांगड़िया भैया का। आपने इतने कम उम्र में इतना बड़ा मकाम हासिल किया। भैया आप बताइए कि कौन से उम्र में आपने गाना शुरू किया? नहीं नहीं, मेरी कम उम्र नहीं, मैं 30 का हो चुका हूँ। नहीं अभी आप 30 के हो चुके हैं। हाँ हाँ, लेकिन हाँ जी हाँ जी, मतलब महादेव की कृपा थी और देखो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद था और मेरे चाहने वालों का प्यार था कि आज मैं जहाँ भी आपके सामने बैठा हूँ सब मेरे चाहने वालों का प्यार। हंसराज भैया एक ऐसा क्वेश्चन, आपका जो गेटअप है सबसे अलग है, तो क्या राज क्या है? देखो हम भोले के भक्त है, हम थोड़े ऐसे ही है, अलग तो होंगे ही देखो, और महादेव ने हमें इस तरह से बनाया है इसके लिए उनका पूरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। भैया आपने बचपन से ही गाना शुरू किया? हाँ जी। क्या आप जिस फील्ड में आ चुके हो गाना गाने के, हाँ जी, क्या आपका परिवार आपके साथ में है? हाँ पूरा मेरा परिवार ने मेरा शुरू से ही मेरी, जैसे भी मैं इस लाइन में आया तो मेरी पूरी हेल्प करी है, कोई रोक टोक नहीं था, पूरा प्यार दिया। भैया हमारे जो इधर चिमूर परिसर के जो लोग है, दर्शक है आपके, सबको धन्यवाद। आपके कुछ नए एल्बम के एक दो लाइन गाने की, कौन सा भजन सुनाओ? मैं आपका नया एल्बम बताओ या राम जी का कोई भजन? राम जी का भी मेरा भजन आया था जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शेयर किया था, ट्वीट किया था, अगर आपको पता होगा युग राम राज का आ गया, मैं उसकी दो चार लाइनें सुनाता हूँ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहर आ गया, जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से छलका प्रेम अनुराग जी। जय शंकर जय श्री राम। भैया आपको मोदी जी ने ट्वीट किया, हाँ, कैसा लगा आपको उस वक्त? मुझे बहुत आनंद आया, बहुत गर्व महसूस हुआ क्योंकि हमारे देश के प्रदेश के प्रधानमंत्री है और वो अगर आपका भजन शेयर कर रहे हैं सुन रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ लास्ट सवाल, मेरे भोला है भंडारी के दो लाइन दर्शकों के। अच्छा, ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ भूतों की टोली मेरे नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। जय शंकर। धन्यवाद हंसराज भैया, हमारे सीटीवी के दर्शकों को एक मुलाकात दी। जय शंकर जय, धन्यवाद, बोले ना।